पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। वेलंकनी माता की नवरोज प्रार्थना। आइए हम पवित्र सुसमाचार सुने। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 37 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांज कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हे निष्कलंक कुवारी, ईश्वर के सर्वोत्तम सृष्टि, यह तो सच है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोआ की नैया में ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतुओं और मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की खान बनाई है। तो मानव जाति का गौरव है, तो संसार का सौंदर्य है, तो ईश्वर का मंदिर है, पवित्र त्रित्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया के सभी क्रिस्ती भक्तों और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षक है। हे पवित्र कुवारी, तू ही युवकों को दुराशा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य धर्म पर चलाती है। हे निष्कलंक कुवारी, तू ही युवतियों को कौमार्य के जीवन का आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श है। तू ही विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषधि और पीड़ितों का सहारा है। हे स्वास्थ्य प्रदमाता, हमें यह वरदान दे कि हम मरते घड़ी तक तुझ पर आशा रखकर
तुझसे प्रेम करते रहें। आमीन। तुझको प्रेम।